हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक प्यारा सा स्टॉल का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जैसे हम वैसे तो मार्केट से खरीद कर स्टॉल सभी ले लेते हैं, लेकिन जो हम अपने हाथ से स्टॉल बनाएंगे तो उसके जब हम पहनेंगे तो उसका टच अलग ही होगा। ये आप देखिए, ये बहुत इजी है। मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। मैं आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं। आप देखिए, मैंने इसे बनाने के लिए 3 कलर की ऊन का यूज़ किया है। ये देखिए, मैंने इसमें येलो कलर, ये येलो कलर, रेड कलर, 2 कलर की ये वाली ऊन ली है और एक मैंने फेदर वाली ऊन ली है, जिसको फेदर वाली ऊन बोलते हैं, ये ली है। आप इसमें 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, कितनी भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत इजी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 50 फंदे डाले हैं, 50 फंदे। 50 फंदे डालने के बाद मैंने इसमें सिंपल दो सिलाई सीधी की है। अब हमें ये जो हमारी आड़ी लाइनें आ रही हैं, इसके लिए, क्योंकि ये हमारे पूरे स्टॉल में ऐसे लाइन आएंगी तो बहुत सुंदर लगती हैं, इसके लिए हम पूरे स्टॉल में शुरू में एक फंदा बढ़ाएंगे। जब हम सिलाई शुरू करते हैं तो एक फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में एक फंदा घटाएंगे। इससे हमारा फंदों का मेजरमेंट इक्वल रहेगा, बैलेंस रहेगा। शुरू में एक फंदा हमें बढ़ाना है और लास्ट में एक फंदा घटाना है। इस तरह करते हुए हमें पूरा ये स्टॉल सीधे सिलाई का बुनना है। आप इसको देख सकते हैं, आगे से ये ऐसा नज़र आएगा और पीछे से ये इस तरह होगा। पूरा का पूरा हमें सीधा सीधा बुनना है। कुछ सिलाई के बाद, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इट मीन्स 13, मेरे पास 13 धारियां हैं। इसका मतलब कि मैंने 26 सिलाई के बाद इसमें एक फेदर की लाइन दी है ताकि और सुंदर लगे। हमें पूरा स्टॉल ऐसे ही बनाना है, जितनी भी हमें स्टॉल की लंबाई करनी है। इसके बाद हम इसको लगभग 1.5 मीटर के आसपास लंबा करेंगे और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। इसके बाद मैंने ये पूरा बनाने के बाद, मैंने इसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए, यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए फेदर की ऊन का यूज़ करें, आपके पास कोई भी ऊन हो उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने फेदर की ऊन से यहाँ ये क्रोशिए से पूरे स्टॉल पर, ये आप देख सकते हैं, मैंने पूरे स्टॉल में क्रोशिए से लेस बना दी है। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट में, जैसे रेडीमेड शॉल या स्टॉल में आता है, मैंने जैसे 3 कलर यूज़ किए हैं, तीनों कलर के मैंने इसमें ये फलवे बना दिए हैं। ये तो आप लगाते ही हैं, जैसे बच्चों की कैप में मैंने इसमें ये वाले 3 कलर यूज़ किए हैं, येलो, येलो, रेड और एक फेदर की ऊन शेड वाली। तो मैंने तीनों ऊन की इतने बड़े बड़े पीसेस बना लिए हैं। इसमें हमें इसके फलवे बनाएंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह बनाएंगे। ये मैंने ऐसे किया, ये हमने ऐसे करके डबल लिया, बड़े आराम से आप देख सकते हैं, ऐसे किया। और हमने स्टॉल में कहीं भी हम ऐसे करोशिया या वो लेकर इनमें इसको अंदर ले सकते हैं। हमने इनको इधर निकाल लिया, ये आप देख लीजिए, ये हमारा इधर आ गया है। और इधर आने के बाद आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, जब ये इधर आ गया और इसको ऐसे करने के बाद हम इसमें एक नॉट लगाएंगे। ये हमारी एक नॉट लग गई है और ये हमारा बिल्कुल फिट हो गया है। इसी तरह मैंने पूरे स्टॉल में नीचे की साइड लगा दिए हैं। जब हम ये स्टॉल पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह आप कितना भी बड़ा इसे शॉल का रूप भी दे सकते हैं। स्टॉल ये बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी का एक पैटर्न मैं और दिखा रही हूँ आपको। इसका एक पैटर्न ये है, आप ये देख लीजिएगा। एक मैंने ये बनाया है कलरफुल ऊन से। इसको आप, अगर आपके पास कोई स्वेटर वगैरह की बात बच जाती है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बीच में शाइनी फेदर ऊन का यूज़ किया है। शाइनी मतलब हो कि ये हो जाता है, हम किसी के ऊपर भी यूज़ करते हैं तो प्यारा लगता है। ये मैंने शाइनी ऊन के, जो मेरे पास फेदर की ऊन है, फेदर की ऊन के मैंने यहाँ पर 15 फंदे डाले हैं। 15 फंदे डालने के बाद मैंने इसको सिंपल उल्टा सीधा बुनते हुए, मैंने वही जो आपको बताया है कि हमने इसको जितनी भी हमें स्टॉल की लंबाई करनी है, ये हमने उतनी लंबाई कर ली है। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर का, आप यहाँ पर बड़े आराम से देख सकती हैं, आप इसको जूम करके, पूरे में क्रोशिए की लेस बनाई है मैंने, पूरे
पूरे स्टॉल में मैंने यहाँ पर पहले डार्क लाइट कलर की पहले मैंने ये लाइट ग्रीन सी ग्रीन पहले मैंने सी ग्रीन कलर की लेस बनाई है, उसके ऊपर मैंने डार्क ग्रीन की बनाई है, उसके ऊपर तीसरा ग्रीन कलर यूज़ किया है, फिर मैंने आप यहाँ पर कोई भी क्रोशिया की लेस बना सकते हैं। अगर आपको यही डिज़ाइन बनाना है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसको बड़े आराम से इसमें से जूम करके या स्क्रीन शॉट करके देख सकते हैं, आप इसमें ये लेस बना सकते हैं। इस तरह आप अपने सूट के अकॉर्डिंग वही कलर यूज़ करके जो भी आपको सूट पे लेना है या जींस टॉप पे जिस पर भी आपको लेना है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चार कलर पांच कलर जितने कलर चाहें उतना यूज़ कर सकती हैं। एक ध्यान रखिए जब आप ये लास्ट वाली लेस बनाएंगे थोड़ा लूज़ बनाएं क्योंकि इसमें जितना भी ये फ्रिलिंग आएगी उतना ही ये प्यारा लगेगा। मैं दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद आपको किस तरह लगता है। आप पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है, आप इसको इस तरह डाल सकते हैं, आप इसे ऐसे भी गले में डालकर यूज़ कर सकते हैं या इसको ऐसे जैसी भी चाहें। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको दूसरा स्टॉल भी इसी प्रकार बताती हूँ, आप ये देख लीजिएगा दोनों ही स्टॉल बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरह आपकी सबसे ज़रूरी है कि आप इसमें कितने भी कलर यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कलर डबल कलर ट्राई कलर कितने भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।